हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। क्या कह रहा है, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर वन से देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कॉस 40 डिग्री प्लस कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 160 डिग्री और प्लस में कॉस 240 डिग्री। इसका वैल्यू इसमें से क्या होगा ये बताना। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे पहले इन दो के लिए हम लोग लगाते हैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो क्या होता है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको cos c कर लेते हैं, इसको cos d कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 cos 80 प्लस का 40 बाई 2 cos 80 माइनस का 40 बाई 2। अच्छा, ये cos 160 डिग्री है, तो इसमें काम करते हैं इसे cos 180 डिग्री माइनस का 20 डिग्री कर लेते हैं, और ये cos 240 है तो इसे कर लेते हैं cos 180 डिग्री और प्लस का यहाँ पर 60 डिग्री। चलिए अब इन दोनों पे भी यहाँ फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। कौन सा हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, cos 180 माइनस थीटा का, तो इसका होता है माइनस का cos थीटा, और फिर cos यहाँ लगेगा 180 प्लस थीटा का, तो ये होता है माइनस का cos थीटा। चलिए अब ये इनका यूज करते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 cos, ये दोनों का ऐड करेंगे 120 और 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ cos 60 हो जाएगा। फिर यहाँ cos, यहाँ इसका प्रयोग करेंगे 40, 40 में 2 से डिवाइड होगा, 20 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा, माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, यानी कि माइनस का यहाँ पर आ जाएगा cos 20 और यहाँ आ जाएगा माइनस का cos 60। इन दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ किया। चलिए 2 इंटू cos, cos 60 का वैल्यू 1/2 और इंटू में cos 20, फिर माइनस का cos 20 और माइनस का cos 60 का वैल्यू, फिर यहाँ पे भी हम लोग 1/2 रख देते हैं, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ cos 20 माइनस का cos 20 और माइनस 1/2, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, यानी कि माइनस का 1/2 यहाँ से आंसर आ गया डी नंबर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है साइन 163 डिग्री इंटू में कॉस 347 डिग्री प्लस साइन 73 डिग्री इंटू में साइन 167 डिग्री। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालना है किसके इक्वल होगा, तो देखिए ये काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइन 180 डिग्री माइनस का 17 डिग्री। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कॉस 360 डिग्री माइनस का 13 डिग्री प्लस इसे लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस का 17 डिग्री। ठीक है, और फिर यहाँ पर कर देते हैं साइन 180 डिग्री माइनस का 13 डिग्री। ठीक है, चलिए तो ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन 17 हो जाएगा, यह कॉस 13 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कॉस 17 और यहाँ आ जाएगा साइन 13। तो ये साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूला पे है ना जी, तो साइन 17 और प्लस का 13, यानी आ जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यानी बी नंबर इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। इफ यहाँ पर दिया हुआ है साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 फाई इक्वल टू 1/2 एंड कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 फाई इक्वल टू में 3/2। तो हमें वैल्यू निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाई का, तो एक काम करते हैं हम लोग इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं। ठीक है, बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इन दोनों को स्क्वायर करके यहाँ पे ऐड करने का काम करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 फाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस 2 थीटा प्लस का कॉस 2 फाई का होल स्क्वायर, और फिर इधर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, प्लस में 2 साइन 2 थीटा साइन 2 फाई, और फिर प्लस में साइन स्क्वायर 2 फाई। ठीक है, फिर अब यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस का 2 कॉस 2 थीटा कॉस 2 फाई, और फिर प्लस में कॉस स्क्वायर 2 फाई इक्वल टू में 1/4 प्लस का 9/4। ठीक है, चलिए देखिए ये साइन स्क्वायर 2 थीटा और कॉस स्क्वायर 2 थीटा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1, और फिर यहाँ पे भी देखिए
यहाँ पर साइन स्क्वायर 2π कॉस स्क्वायर 2π, तो ये भी 1 हो जाएगा, और प्लस इसमें और इसमें, इन दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा ये कॉस 2θ कॉस 2π, फिर प्लस में साइन 2θ साइन 2π, और इक्वल टू में यहाँ पर 10/4, ठीक है, कट जाएगा ये 5/2 आ जाएगा। चलिए अब अगले स्टेप देखते हैं, ये 2+2, यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, यानी आ जाएगा कॉस 2θ - 5 इक्वल टू में 5/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, इसको ना उधर लेके जाते हैं, ठीक है, 2cos 2θ - 5 इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 5/2 - 2, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर 2 में यहाँ cos 2θ का फॉर्मूला लगा देते हैं, cos के ही फॉर्म में, तो होता है 2cos²θ - 5, और फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, 2cos²θ - 5 - 1, और इक्वल टू में इधर एलसीएम लेंगे 2 5 - 4। हमने यहाँ पे पता है कौन सा फॉर्मूला लगाया, cos 2θ का होता है ना, 2cos²θ - 1, यही हमने यहाँ पे लगाया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये 2 लेके चल जाते हैं नीचे, यहाँ 2cos²θ - 5 - 1 इक्वल टू में हो जाएगा 1/4, ये 2 चलाया इधर, ये 1 उधर जाके ऐड कर देंगे, और 2cos²θ - 5 इक्वल टू 1/4 प्लस का 1, 2cos²θ - 5 इक्वल टू में इधर एलसीएम लेंगे 4 1 प्लस का 4, यानी आ जाएगा cos²θ - 5 इक्वल टू में यहाँ ऊपर 5 और ये 2 चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 8, तो 5/8 इसका आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर है इसका बी, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर में क्या आ रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos 52 डिग्री प्लस में cos 68 डिग्री प्लस में cos 172 डिग्री। एक काम करते हैं हम लोग, इस cos 52 को ऐसे लिख सकते हैं cos 60 - 8 डिग्री, और इसे लिख सकते हैं cos यहाँ पर 60 डिग्री + 8 डिग्री, और यहाँ cos 172 को 180 - 8 कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, cos a प्लस बी और प्लस में cos a माइनस बी का, क्या होता है इसका 2cos a cos b, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन दोनों के लिए देखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2cos 60 डिग्री cos 8 डिग्री, और यहाँ cos 180 - θ, ये माइनस का cos हो जाता है, यानी माइनस का cos 8 डिग्री हो जाएगा। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, cos 180 - θ माइनस का cos θ होता है, तो देखिए 2 इंटू में इसका वैल्यू 1/2 इंटू में cos 8 डिग्री और माइनस का cos 8 डिग्री, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी 0 आ जाएगा, cos 8 में से cos 8 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया आंसर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ sin 78 डिग्री माइनस sin 66 डिग्री, ठीक है, और फिर माइनस साइन 42 डिग्री प्लस का साइन 6 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा पेयर बनाना पड़ेगा, एक हम काम करते हैं यहाँ साइन 78 को ले लेते हैं और माइनस साइन 42 डिग्री को ले लेते हैं, और फिर इसको और इसको एक साथ देते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, साइन 66 डिग्री और माइनस का साइन 6 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ साइन सी माइनस डी का यहाँ और यहाँ भी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइन सी माइनस साइन डी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है यहाँ पर 2cos C + D/2 sin C - D/2 माइनस, यहाँ पे भी 2cos 66 + 6/2 sin 66 - 6/2। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, 2cos इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर 120 और 2 से डिवाइड होगा तो 60 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए साइन कितना हो जाएगा, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 × 18 आ जाएगा, माइनस 2 यहाँ पर ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 72 और 2 से डिवाइड होगा तो cos यहाँ 36 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे 62 30 आ जाएगा,
ठीक है। अब इसके बाद देखिए, 2 cos इसका 60 का 1 बाई 2 और इंटू में साइन 18 डिग्री माइनस 2, अच्छा यहाँ पे cos 36 डिग्री और इंटू में इसका 1 बाई 2, तो ये 2 से 2 कट गया यहाँ भी और यहाँ भी, तो साइन 18 माइनस का cos 36 बचा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर साइन 18 डिग्री का हम लोग वैल्यू पढ़े हुए हैं, रूट 5 माइनस 1 बाई 4 होता है और इसका होता है आपका रूट 5 प्लस 1 बाई 4। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम होगा 4 रूट 5 माइनस 1 माइनस रूट 5 माइनस 1, ये इससे कट जाएगा माइनस 2 बाई में 4 कट जाएगा यहाँ पर, माइनस 1 बाई 2 इसका यहाँ से आंसर आ गया। तो माइनस 1 बाई 2 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, बी नंबर है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए, साइन अल्फा प्लस का साइन बीटा इक्वल टू में ए और यहाँ कॉस अल्फा माइनस का कॉस बीटा इक्वल टू में बी, दोनों जगह फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू ए, इक्वेशन फर्स्ट ले देते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी का होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस का टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू बी, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो हमें टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 निकालना है, तो इसमें इससे डिवाइड करना होगा, तो हम लोग लिखेंगे डिवाइड किस में करना है, तो हम लोग सेकेंड में फर्स्ट से करेंगे, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट से करेंगे। तो माइनस का 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बाई में 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू में बी बाई में ए। तो ये देखो ये इससे कट जाएगा, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, ये माइनस हम लोग उधर लगा देते हैं और यहाँ पे ये हो जाएगा टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, तो यहाँ इसका माइनस बी बाई ए आंसर हो गया, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दिया है कॉस 35 डिग्री प्लस का कॉस 85 डिग्री प्लस का कॉस 155 डिग्री। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको पहले और इसको बाद में पहले कर लेते हैं, कॉस 85 डिग्री और प्लस में कॉस 35 डिग्री और प्लस में कॉस 155 डिग्री। यहाँ हम लोग फॉर्मूला आते हैं इन दोनों के लिए कॉस सी प्लस कॉस डी का, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए क्या होता है फॉर्मूला इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 कॉस 85 प्लस का 35 बाई 2 इंटू में कॉस 85 माइनस का 35 बाई 2 और इसे हम लोग चेंज कर देते हैं कॉस 180 और माइनस का 25 लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए यहाँ आ जाएगा 2 कॉस, इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 120 और बाई 2 यानी कि 60 हो जाएगा और यहाँ कॉस कितना आ जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 बाई 2 यानी 25 आ जाएगा और ये माइनस का कॉस 25 का ना वैल्यू हो जाएगा क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस का कॉस थीटा होता है। चलिए तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 कॉस 60 का वैल्यू 1 बाई 2 और इंटू में कॉस 25 माइनस का कॉस 25, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस 25 में से कॉस 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 यहाँ पे आंसर आ जाएगा यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री माइनस का साइन 70 डिग्री प्लस का साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू, इसमें से किसके इक्वल होगा, चलिए देखते हैं इन दोनों के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी वाला, तो क्या होता है साइन सी माइनस डी का, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2 और प्लस में ये साइन 10 को ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 कॉस 120 बाई 2 यानी कि 60 हो जाएगा और यहाँ साइन माइनस 20 बाई 2 माइनस का 10 डिग्री और फिर यहाँ साइन 10 डिग्री।
तो यहाँ देखिए 2 इंटू इसका वैल्यू 1/2 और ये इंटू में माइनस का साइन 10 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इसके लिए, अभी मैं बता देता हूँ। जानते हैं ना हम लोग फॉर्मूला कि साइन माइनस थीटा जो होता है आपका माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, माइनस का साइन 10 और प्लस का साइन 10 डिग्री, तो 0 हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी बी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है। साइन 47 डिग्री प्लस का साइन 61 डिग्री माइनस का साइन 11 डिग्री और माइनस का यहाँ पे साइन 25 डिग्री। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक साथ, साइन 61 डिग्री प्लस का साइन 47 डिग्री और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, हो जाएगा साइन 25 डिग्री और प्लस का साइन 11 डिग्री। अब दोनों जगह फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग साइन सी प्लस साइन डी के लिए। तो फॉर्मूला तो जानते ही आपको, साइन सी प्लस साइन डी के लिए क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये ना होता है फॉर्मूला, इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन 61 प्लस का 47 बाई 2 कॉस 61 माइनस का 47 बाई में 2, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा 2 साइन 25 प्लस 11 बाई 2 कॉस 25 माइनस का 11 बाई 2। चलिए अब देखते हैं क्या होता है, 2 साइन यहाँ पर देखिए इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 108/2 यानी कि 54 लिख देते हैं, समझ रहे ना, यहाँ पे ऐड करेंगे दोनों को तो 718 और 64 10 यानी कि 108/2 यानी कि साइन 54 और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस कितना, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और बाई में 2 यानी कि यहाँ 7 आ जाएगा, बात को समझे ना। चलिए फिर यहाँ पर देखिए माइनस 2 साइन इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36 होगा और 36 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14/2 यानी कि 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन देख रहे हैं, दोनों जगह से कॉमन है 2 cos 7 degree, तो यहाँ बच जाएगा साइन 54 डिग्री और माइनस का साइन 18 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 cos c + d/2 साइन सी माइनस डी बाई 2। चलिए अब हम लोग इसका यूज यहाँ पर करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 cos 7 degree यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 cos 54 प्लस 18/2 और फिर साइन 54 माइनस का 18 बाई में 2। चलिए अब आगे देखते हैं, 2 cos 7 degree और इंटू में 2 यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड करने पे हो जाएगा ये 72/2 यानी कि 36 यानी cos 36 और इंटू में यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36/2 यानी कि साइन 18, ठीक है। अब दोनों का हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और यहाँ 2 जाइए 4 हो जाएगा, तो 4 cos 7 degree इंटू कॉस 36 डिग्री की बात करेंगे तो इसका होता है √5 + 1/4, ये हम लोग जानते हैं, और साइन 18 का अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा √5 - 1/4 साइन 18 का होता है। चलिए अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो एक ये 4 से 4 तो पहले काट दो, कॉस 7 डिग्री इंटू यहाँ देखो प्लस माइनस में है तो यहाँ a² - b² वाला फॉर्मूला लग जाएगा और नीचे 4 है, तो यहाँ देखिए कॉस 7 डिग्री और इंटू में ऊपर ये 5 हो जाएगा ये 1, तो ये 4/4 कट गया यानी कि कॉस 7 डिग्री इसका वैल्यू आ गया। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है कॉस 7 डिग्री, तो यहाँ पर डी नंबर दिख रहा है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ कॉस a = में m cos b हमें देन इसका वैल्यू बताना है। देखिए हम लोग यहाँ हम लोग एक काम करते हैं, इस देख रहे हैं कि यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ही यूज हुआ होगा ऑप्शन के अनुसार, इसको इधर लाते हैं, कॉस ए बाई में कॉस बी इक्वल टू में एम, अच्छा एम के बाई में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से, कॉस ए बाई में कॉस ए और कॉस बी को ऊपर ऐड कर देते हैं और नीचे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसी तरह यहाँ भी एम बाई एम प्लस 1 और नीचे माइनस 1, यहाँ ऊपर ऊपर और नीचे यहाँ फॉर्मूला आप लगा देंगे, ऊपर कॉस ए प्लस कॉस बी का और नीचे कॉस ए माइनस कॉस बी का,
तो ऊपर यहाँ पे हो जाएगा 2 cos a + b/2 cos a - b/2, और नीचे आपका हो जाएगा cos a माइनस cos b के लिए 2 sin a + b/2 sin a - b/2 = m + 1/m - 1। 2 से 2 कट जाएगा और यह माइनस बच जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर अब लिखते हैं, देखिए किस तरह से। ये तो आपका हो जाएगा tan a plus b by 2। यहाँ पे देखिए ऊपर इसके लिए क्या करते हैं, cos, इसे आप b minus a by 2 भी लिखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos माइनस थीटा भी करेंगे तो वो cos थीटा ही होता है, और ये जो माइनस है इसके साथ ले लेते हैं तो ये आ जाएगा sin b minus a by 2 इक्वल टू में m plus 1 by में m minus 1, ठीक है। तो यहाँ tan a plus b by 2 और यहाँ पर सॉरी cot ना होगा, ये मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, ये cot ना हो जाएगा जी, cot a plus b by 2 और यहाँ पे हो जाएगा cot b minus a by 2 इक्वल टू में m plus 1 by में m minus 1। तो यहाँ पे ये हम लोग देख रहे हैं cot a plus b by 2 और cot b minus a by 2 का वैल्यू m plus 1 by में m minus 1 हो रहा है, यही हो जाएगा सी नंबर। तो इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं पूरे एक्सरसाइज में। मैं क्या करता हूँ फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए सर्च करेंगे गूगल पर जाकर www.ravikantsir.in, और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।